केंद्र सरकार द्वारा 77 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से नेशनल हाईवे 48 से भिवाड़ी को जोड़ने के काम के बाद भिवाड़ी में भाजपा का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अभिनंदन समारोह में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का बतौर मुख्य अतिथि भिवाड़ी पहुंचना था। इन्हें सुनने के लिए अलवर जिले से कई बसें भरकर भिवाड़ी पहुंची, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि केंद्रीय मंत्री का दौरा कैंसिल हो गया है, तो भारी जनसमूह वहां से धीरे धीरे निकल गया और अलवर सांसद महंत बालकनाथ को खाली कुर्सियों को संबोधित करना पड़ा। काफी देर तक भाजपा के दिग्गज नेता मंच के जरिए लोगों को रोकते नजर आए। केंद्र सरकार के बाद काफी समय से लंबित पड़े प्रकरण को लेकर केंद्र सरकार ने 70 करोड़ 40 लाख रुपए भिवाड़ी की कनेक्टिविटी को लेकर यहाँ पे आवंटन किया। आज भिवाड़ी में अभिनंदन कार्यक्रम भाजपा सरकार के द्वारा यहाँ पे रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को यहाँ पे उपस्थित होना था, लेकिन एन मोमेंट पे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का यहाँ पे दौरा जो था वो कैंसिल हो गया, जिससे कि यहाँ पे जो लोग आए थे वो हताश होकर एक एक कर यहाँ से निकलने लग गए। अभी कुछ समय पहले जो अलवर सांसद है महेश बालकनाथ, उन्होंने जनरल वीके सिंह का एक मैसेज भी यहाँ पे चलाया माइक के ऊपर। उन्होंने क्षमा मांगी कि वो आना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुलाई गई एक मीटिंग के दौरान वो वहाँ पे व्यस्त हो गए। अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है अलवर सांसद महेश बालकनाथ जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पूरा कार्यक्रम था और जनरल वीके सिंह के नाम से जो यहाँ पे भाजपा सरकार ने जो भीड़ जुटाई थी, आखिर उनका दौरा क्यों कैंसिल हो गया और एक एक कर यहाँ से पब्लिक जाने के लिए लग गई। बात करने के लिए यहाँ पे अलवर सांसद महेंद्र बालकनाथ जी, इनसे बात करते हैं पूरा कार्यक्रम। सेना अध्यक्ष भी रहे और बहुत तरह की जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, केवल मंत्रालय नहीं, मंत्रालय के साथ में देश की रक्षा सुरक्षा में भी वो जुड़े रहते हैं। तो कोई विशेष उनकी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से उनकी कॉल हुई थी तो उसमें उनको जाना पड़ा। और आप सब जानते हैं कि जो सेना में रहते हैं वो आदेशों की पालना करते हैं, उस भाव से उनको जाना पड़ा है। लेकिन हमारा उद्देश्य जो कार्यक्रम का था वो उद्देश्य हमारा पूर्ण रूप से सफल है। हमारा उद्देश्य था कि जिस प्रकार की उपलब्धि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार, केंद्र की सरकार ने दी है, उस उद्देश्य को हमको जनता के बीच में पहुँचाना था। और साथ ही साथ हमारे जो भिवाड़ी में आने वाले समय पर जो हमारी मांगे हैं, जिस प्रकार से हमारे भिवाड़ी की कनेक्टिविटी डायरेक्ट नीमराना से होनी चाहिए, उसका भी हमने जनता के बीच में हमारा मंशा रखी है, उसको भी जनता ने स्वीकार किया। और जो भिवाड़ी की वर्तमान में स्थिति है राजस्थान सरकार की इस नीति के कारण, राजस्थान सरकार में जिस प्रकार की व्यवस्था आज हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से अस्थिर सरकार है, इस प्रकार से ये सरकार केवल अपने ही शासन और अपनी कुर्सी को बचाने के कार्यक्रमों में व्यस्त है, उसको जनता जनार्दन का कोई कोई चिंता नहीं है। उस जनता, उस राजस्थान सरकार की आंखें खोलने का काम भी इस जनसभा के माध्यम से हमने किया है कि राजस्थान की सरकार ये सुध ले और भिवाड़े की जो सीवरेज और ड्रेनेज पानी की समस्या है उसको निवारण करे, ताकि आने वाले समय पर भिवाड़े का औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे यहाँ की डेवलपमेंट सोसाइटियाँ हों, वो सब मिलकर आगे बढ़ते हुए राजस्थान को जिस प्रकार से एक पूरी कमाई ये भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र देता है, उस भाव से इसकी उपेक्षा राजस्थान सरकार कर रही है। देखा गया कि ये जो सड़क जो मार्ग आप जो बना रहे हैं काफी लंबे समय से प्रकरण अधूरा था, अभी केंद्र सरकार के द्वारा इसमें कितना आवंटन इसमें किया गया, कब तक का इसमें टाइम लगेगा, कितने फ्लाईओवर? जल्दी जल्दी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। एक फ्लाईओवर तो यही भिवाड़ी मोड पर बनेगा, एक फ्लाईओवर आगे जो है कि NH 48 पे बनेगा। साथ ही साथ में ये जो मानेसर धारूवेड़ा है, ये धारूवेड़ा और तावड़ू, ये रोड भी चल रहा है कार्यक्रम, ये भी आने वाले समय पर एलिवेटेड रोड बनेगा। अभी यहाँ पे करीब 15 महीने का समय यहाँ पे दिया गया भिवाड़ी।